अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ मज़र है। मैं मुख्तार शेख हॉस्पिटल मुल्तान में गुर्दे या नेफ्रोलॉजी के शोबे का सरबराह हूँ। मैं आज के दिन गुर्दे की बीमारी, जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है, उसके बारे में कुछ मराहिल या स्टेजेस हैं। इब्तदाई मराहिल स्टेज 1, 2 या 3 कह सकते हैं, और स्टेज 4 या 5, चौथे या पांचवा मराहिल जो हैं वो इस बीमारी के आगे की स्टेजेस या मराहिल हैं। क्रॉनिक डिजीज़ेस को अगर तशखीश से मुनासिब इलाज के ज़रिए इस बीमारी को ज़्यादा एडवांस्ड स्टेजेस या मराहिल तक पहुंचने से बचने की भी कोशिश की जा सकती है, और इस प्रोसेस को स्लो डाउन भी किया जा सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की इब्तदाई मराहिल में तशखीस में एक अहम मसला ये है कि इब्तदाई मराहिल, जैसे स्टेज 1, 2 या 3 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में गुर्दे की बीमारी की अलामात मरीज़ को हमेशा ज़ाहिर नहीं होती, जैसे भूख कम लगना, नींद कम आना, मतली, उल्टी, ख़ारिश, मुंह का जायका बदलना, इस तरह की अलामात जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स को आम तौर पे ज़ाहिर होती हैं जब ये बीमारी सामने आए, ये इब्तदाई मराहिल में कई दफ़ा ज़ाहिर नहीं होती, और ये अलामात क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों की अलामात हो सकती हैं। इन चीज़ों से हमें ये मैसेज मिलता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की इब्तदाई मराहिल में तशखीस के लिए इंडेक्स ऑफ सस्पिशन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जिन लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन्हें हमें अलामात ज़ाहिर होने से पहले उन पेशेंट्स में इस क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इब्तदाई मराहिल जैसे स्टेज 1 या 2 से गुजर कर स्टेज 5 तक आ जाती है, तो इस बीमारी का इलाज काफ़ी मुश्किल और महंगा होता है। स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का पांचवा मरहला है, उसे किडनी फेलियर या गुर्दे का फेल होना कहा जाता है। स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीजों में गुर्दे का काम आमतौर पे 15% से भी कम बाकी रह जाता है, और ऐसे मरीजों को आमतौर पर डायलिसिस, जिसे गुर्दे वॉश करना उर्दू में कहा जाता है, और या फिर गुर्दे का ट्रांसप्लांट या गुर्दे की पैवंदकारी की ज़रूरत पड़ती है। और डायलिसिस और गुर्दे की पैवंदकारी या ट्रांसप्लांट, ये दोनों काफ़ी महंगे तरीका इलाज हैं, और डायलिसिस के मरीजों में ये इलाज कई दफ़ा मरीज़ के लिए मुश्किल भी हो सकता है। रेगुलर डायलिसिस के मरीज़ को आमतौर पे हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस सेंटर तक जाना पड़ता है, और हर इलाज 4 घंटे का होता है। ख़र्चे के साथ ये चीज़ मरीज़ के लिए थोड़ी सी मुश्किल भी हो जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ों में इब्तदाई मराहिल में इस बीमारी की तशखीस करके उसे डायलिसिस या गुर्दे की के ट्रांसप्लांट या पैवंदकारी की स्टेज पर जाने से बचाने की कोशिश करनी है, या इस प्रोसेस को जितना हम डिले कर सकते हैं उतना डिले करना है, तो फिर हमें इस बीमारी की तशखीस इब्तदाई मराहिल में कैसे करनी चाहिए? अगर मरीज़ को कोई अलामात भी नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मरीज़ इस वक्त क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के इब्तदाई मराहिल या स्टेजेस से गुजर रहा है? तो ऐसे केसेस में हमें रिस्क फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि हमारे मरीज़ों में से किन मरीज़ों को गुर्दे की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के डिवेलप करने के चांसेस या रिस्क ज़्यादा है। तो पूरी दुनिया में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की सबसे अहम
और कॉमन वजह शुगर है, डायबिटीज जो है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बाद गुर्दे की पथरी और गुर्दे की और बीमारियां जिनमें मौरूसी बीमारियां जैसे एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जिसमें गुर्दे बड़े हो जाते हैं और उनमें थैलियां बन जाती हैं और ये बीमारी फैमिलीज में चलती है। तो जिन मरीजों में इस तरह के रिस्क फैक्टर्स और हिस्ट्री हों उनमें अगर अलामात ना भी हों तो हमें गुर्दे के से मुतल्लिका कुछ बेसिक टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस करके क्रॉनिक किडनी डिजीज को इब्तदाई मराहिल में मदद मिल सकती है। अब ये सवाल है कि वो बेसिक टेस्ट्स कौन से हैं। जैसे हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट ऐसा आ रहा है जिसे कुछ सालों से शुगर है, उसे कुछ सालों से ब्लड प्रेशर है, या गुर्दे की पथरी रह चुकी है जिसके लिए उसे श्वाएं भी लग चुकी हैं, या ऑपरेशन हो चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुके हैं। तो जिन लोगों में ये क्रॉनिक किडनी डिजीज के डेवलप होने का खतरा या रिस्क ज़्यादा है और अभी तक कोई अलामत नहीं है, उनमें हम खून और पेशाब के बेसिक टेस्ट भेज सकते हैं। खून के टेस्ट जो गुर्दे से मुतल्लिका हैं और इतने महंगे भी नहीं हैं, वो यूरिया और क्रिएटिनिन हैं, जिन्हें इब्तदाई टेस्ट्स के तौर पे साल में एक मर्तबा जैसे हम कर सकते हैं उन मरीजों में जिनमें इस बीमारी की कोई अलामत अभी जाहिर नहीं हुई हैं। इसी तरह पेशाब का एक आम टेस्ट जिसे यूरिनालिसिस कहा जाता है, वो भी ऐसे मरीजों में साल में एक दफ़ा करने से हम बहुत सारे ऐसे मरीजों की तशखीस कर सकते हैं जिन्हें कोई अलामत नहीं है और वो पहली या दूसरी या तीसरी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के स्टेज में हैं और उनके यूरिन में कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, पेशाब के मुआयने में प्रोटीन आ रहा है या कोई और चीज़ ऐसी आ रही है जो नॉर्मल से हट के है, में हम इसकी इब्तदाई मराहिल में तशखीस अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, ये गुर्दे की तस्वीरें लेने के तरीके हैं और जिन लोगों में मौरूसी अमराज या कोई और पथरियों की हिस्ट्री, ऐसे मरीजों में बवक्ते ज़रूरत अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन भी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसका इन बातों का कंक्लूजन ये है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को उसके इब्तदाई मराहिल यानी स्टेजेस 1, 2 और 3 में पकड़ना और उनकी तशखीस करना एक बहुत अहम चीज़ है और मराहिल में शुगर का मुनासिब इलाज, ब्लड प्रेशर का मुनासिब इलाज, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल, गुर्दे की पथरी और उससे मुतल्लिका कॉम्प्लिकेशंस का प्रॉपर इलाज, तंबाकू नोशी या स्मोकिंग को छोड़ देना, वेट को बढ़ने ना देना और या अगर वजन ज़्यादा हो तो उसे कम करने की कोशिश करना, वर्जिश जितनी सेफली हो सके और जितनी ज़रूरत हो वो डेली बेसिस पे करना, इन सब चीज़ों से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की इब्तदाई मराहिल से स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ जो प्रोग्रेशन है उसको हम या तो अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम उसको स्लो डाउन कई केसेस में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर शुगर और ब्लड प्रेशर के एक मरीज ने बग़ैर मुनासिब इलाज के 7 या 8 साल में डायलिसिस या गुर्दे की पैवंदकारी की स्टेज पर पहुंच जाना था, इन चीज़ों शुगर ब्लड प्रेशर और दूसरी मुनासिब इलाज के ज़रिए हो सकता है कि ऐसे मरीज बहुत से और सालों तक डायलिसिस या गुर्दे की पैवंदकारी की ज़रूरत की स्टेज पर ना पहुंचें। अब एक सवाल आमतौर पर यह पूछा जाता है कि हमने कोशिश तो पूरी की कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को इब्तदाई मराहिल में उसकी तशखीस कर ली जाए, उसके बाद हमने मरीज़ का मुनासिब इलाज भी हर तरीके से किया और वो कई सालों तक उसकी जो बीमारी की प्रोग्रेशन थी वो स्लो तो हो गई लेकिन आखिरकार वो स्टेज 5 क्रॉनिक डिजीज़ या किडनी फेलियर
की स्टेज पर पहुंच गए और वहां डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट अब जरूरी हो गया। तो एक सवाल आमतौर पर यह खड़ा होता है कि ज्यादातर मरीजों में डायलिसिस ज्यादा बेहतर है या गुर्दे की पैवंदकारी की तरफ जल्दी से जल्दी चले जाना ज्यादा बेहतर है। तो उसका जवाब ज्यादातर मरीजों में ये है कि जिन मरीजों का सेफली और पॉसिबली गुर्दे की पैवंदकारी या ट्रांसप्लांट हो सकता हो तो ये तरीका इलाज डायलिसिस से बेहतर समझा जाता है। अगर एक मरीज एक हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस कराता है और हर मरतबा डायलिसिस 4 घंटे की जाती है तो आमतौर पर उसको तकरीबन 20% गुर्दे के काम की 100% के मुकाबले में ये जो रेगुलर डायलिसिस है उसको 20-25% गुर्दे का काम वापस करती है। जबकि गुर्दे का ट्रांसप्लांट और पैवंदकारी अगर वो कामयाब हो और वो नया गुर्दा जो लगाया जा दे सकता है तो जब तक किसी पेशेंट का ट्रांसप्लांट या गुर्दे की पैवंदकारी नहीं हो सकती जो उसके लिए डायलिसिस के मुकाबले में बेहतर हो तो उस वक्त तक उस मरीज को डायलिसिस पर रहना पड़ता है। कई दफ़ा गुर्दा देने वाला जो होता है शख्स उसको ढूंढने में और उसकी इन्वेस्टिगेशंस करने में कुछ वक्त लग सकता है और उस वक्त तक वो मरीज डायलिसिस पर रह सकता है और जब जैसे ही वो गुर्दे की पैवंदकारी महफूज तरीके से मुमकिन हो तो फिर उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। गुर्दे के ट्रांसप्लांट के बाद जब तक वो ट्रांसप्लांटेड किडनी या नया गुर्दा काम करता है वो जितने भी साल या महीने काम करता है ऐसे मरीज को रोज़ाना बहुत सी महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जिसकी वजह से ये तरीका इलाज काफ़ी महंगा हो जाता है और डायलिसिस तो है ही काफ़ी महंगा इलाज। तो इन चीज़ों से भी इस चीज़ की इम्पोर्टेंस फिर जाहिर होती है कि हम अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को इब्तदाई मराहिल में पकड़ लें और वक्त पे अगर मरीज को गुर्दे के माहिर या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की इब्तदाई मराहिल में रेफ़र कर दिया जाए तो ये काफ़ी सारे पेशेंट्स में ये चीज़ मुमकिन हो सकती है कि वो डायलिसिस या गुर्दे की पैवंदकारी से या तो बच जाएं या फिर वो एक अच्छे खासे अरसे के लिए इस चीज़ की ज़रूरत को टाला जा सकता है। तो इन समरी किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ की तरह क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जितनी जल्दी तशखीस और मुनासिब इलाज को शुरू कर लिया जाए वो मरीज़ के लिए हर लिहाज से बहुत बेहतर अप्रोच है और इसके लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के इब्तदाई मराहिल में जनरल फिजिशियंस जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट्स और दूसरे शोबा जात अगर मरीज को वक्त पे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दें तो इस चीज़ की मुनासिब मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिल सकती है। शुक्रिया, थैंक यू। बस ये